हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हो और कहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी दो जगह हैं जहाँ से आप अपने नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, वैसे तो गूगल पर बहुत सारे ऐसे नॉन कॉपीराइट सॉन्ग हैं जिनको आप अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो, बट उनमें जो है आपका कभी कभी कॉपीराइट क्लेम आने का चांसेस जो है वो बना रहता है। तो दोस्तों, पहला आपको तरीका ये बता दूँ कि कहाँ से आप नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक डाउनलोड करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चले जाना है अपने गूगल क्रोम पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब डैशबोर्ड। फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करिएगा। दोस्तों, जैसे ही आप वेबसाइट को ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल पिक्चर के आइकन के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं देखने को। यहाँ से आपको ऑडियो लाइब्रेरी का ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ये सारे जो सॉन्ग दिख रहे हैं वो सभी नॉन कॉपीराइट है, यानी कि आप इन सभी सॉन्ग को अपने वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हो और उनको ईजिली मोनेटाइज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक फुल वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसमें आपको ऑडियो लाइब्रेरी में क्रेडिट देना है और क्रेडिट नहीं देना है। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और दोस्तों, यहाँ से अगर आपको किसी सॉन्ग को डाउनलोड करना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडेड, और उसके नीचे डेट दिख जाती हैं। जैसे आप डेट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस ऑडियो को जो है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको डाउनलोड का ऑप्शन ना मिले तो सिंपली आपको बस डेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अब ये आप जैसे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपका जो ऑडियो है वो आपके फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा जो ऑडियो है वो हमारी लाइब्रेरी में सेव हो चुका है। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ कि आप कहाँ से और डाउनलोड कर सकते हो नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को। दोस्तों, आपको चले जाना है अपने YouTube में। यहाँ पे आपको सर्च करना है नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक। जैसे आप इसको सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट चैनल मिल जाता है, नो कॉपीराइट साउंड्स। इसको ओपन करिएगा। दोस्तों, इस चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सभी जितने भी साउंड्स यहाँ पे शो होती हैं वहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सभी साउंड्स है वो नॉन कॉपीराइट है। बस दोस्तों, आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, लाइक आपने किसी भी ऑडियो को एक पसंद कर लिया। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, इस ऐड को स्किप कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको करना क्या है, आपने सपोज इनका म्यूज़िक डाउनलोड कर लिया और अपनी वीडियो में भी यूज़ कर लिया। जल्दबाजी में होता क्या है दोस्तों, आप किसी भी नॉन कॉपीराइट ऑडियो को देखते हो यूट्यूब पे और उसे किसी अनदर वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हो। तो दोस्तों, इससे क्या होता है, आपकी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम का आने का चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, आपको सबसे पहले इनके वीडियो को कॉपी नहीं करना है। दोस्तों, आपको चले जाना है इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब जैसे आप इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आते हो तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाती है फ्री डाउनलोड स्ट्रीम की। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड ट्रैक के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। देन यहाँ पे आपको अगेन डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे आपकी ये जो नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने डिस्क्रिप्शन में इनको क्रेडिट देना होगा। क्रेडिट कैसे दोगे, यहाँ पर लिखा है व्हेन यू आर यूजिंग दिस ट्रैक प्लीज़ ऐड दिस इन योर डिस्क्रिप्शन, यानी कि जब भी आप इस ट्रैक को यूज़ करो तो इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो। किसको लिखना है, यहाँ पे आप यहाँ तक लेके, यहाँ पे आपको ट्रैक से लेके यहाँ फ्री डाउनलोड स्ट्रीम तक जो है कॉपी कर लेना है। अब कॉपी कैसे करोगे, आपको चले जाना है अपने क्रोम में। अब यहाँ पे आपको यूट्यूब को ओपन कर लेना है, तो यहाँ से हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको उस चैनल को ओपन कर लेना है अपने गूगल पर, यूट्यूब को। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको उस चैनल को सेलेक्ट कर लेना है जिससे आप अपने ऑडियो को ले रहे हो। तो यहाँ से हम उस सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हमने डाउनलोड करा था। तो दोस्तों, हमने इस ऑडियो को सेलेक्ट करा था, उसको ओपन करिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। देन यहाँ पे आपको उस पोर्शन को कॉपी कर लेना है जिसको आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करना है। तो यहाँ से हमको सिर्फ इतने पोर्शन को जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपने अपनी नॉन कॉपीराइट साउंड को ऐड करा है। तो यहाँ पे आपको पेंसिल के आइकन पे चले जाना है, देन आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने अपनी दूसरी ऑडियो को जो है यहाँ पे ऐड किया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपने जो कॉपी किया था वो यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पे जो है इतना पोर्शन जो है ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे आपको सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे जो आपका नॉन कॉपीराइट साउंड है उसका क्रेडिट जो है आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है आप अपने नो कॉपीराइट साउंड्स को अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो और कॉपीराइट क्लेम और स्ट्राइक से बच सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।